जब आप स्टार्स के साथ फिल्म बनाते हैं तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आप तो जानते ही हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैंडल स्टार्स। लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट्स नॉट इजी हैंडलिंग स्टार्स। और अगर आप मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बनाते हैं, यू कैन बी श्योर कि आपके प्रॉब्लम्स ऑल्सो मल्टीप्लाई। जितने ज्यादा स्टार्स, जितने बड़े स्टार्स, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स। और आज हमारे गेस्ट जो हैं, वो उन्होंने एक ऐसी मल्टी स्टारर बनाई है विच इज इजिली द बिगेस्ट मल्टी स्टारर ऑफ रिसेंट टाइम्स। अगर आपको यकीन नहीं आता है, लेट मी टेल यू द स्टार कास्ट ऑफ हिज फिल्म एंड लेट मी टेल इट टू यू इन वन ब्रेथ। आई थिंक आई गो आउट ऑफ ब्रेथ। नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ। आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रेंड्स, लेट्स मीट प्रकाश झा, द मेकर ऑफ राजनीति, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फाइंड आउट हाउ ही इज स्टिल नॉट आउट ऑफ ब्रेथ। प्रकाश जी, हाउ आर यू मैनेजिंग टू स्माइल आफ्टर सच अ ह्यूज स्टार कास्ट? मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि बड़ी स्टार कास्ट है क्या। देर ऑल एक्टर्स एंड देर ऑल वेरी कीन एक्टर्स। सभी पूरी तरह से अपने रोल में लिप्त थे और पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे के साथ कंपटीशन था कि अच्छा काम करें। और लगभग सभी मेरी रातों की नींद हराम करते थे क्योंकि ये 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फोन करके पूछते हैं कि ये लाइन कैसे कहनी है, क्या करना है। That kind of commitment. So I never felt that star है, मतलब या कुछ भी चीज़। सब एक्टर्स हैं। आपने जब शुरुआत किया था आपके करियर का, यू यूज टू मेक स्मॉल फिल्म्स, मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, धीरे 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 यू स्विच्ड ओवर टू एब्सोल्युटली कमर्शियल एक्स्ट्रावेगेंजास। यहां तक कि ये तो सबसे बड़ी मल्टी स्टार कास्ट है, मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। तो हाउ वॉज दिस स्विच ओवर? हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? हाउ इजी वॉज इट? क्या कुछ कठिनाइयां आपने फेस की? मैंने ये सोच के कभी नहीं शिफ्ट किया। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, कि मेरे लिए सबसे बड़ा स्विच जो था वो था कि जिन इश्यूज को लेकर के मैं सोचता हूं, उन इश्यूज को उसी रियलिस्टिक बैकग्राउंड में पेश करना। तो दामुल हो या परिणति हो या हैप्पी फुर्रे हो, उस तरह से फिल्म बनी वो। लेकिन जैसा कि आपका शो है, ये मार्केट का ही प्रेशर है कि कि हमें शिफ्ट करना पड़ा। मतलब कमर्शियल सिनेमा का ग्रामर सीख करके अपनी बात कहनी है वो उनकी भाषा में, उनकी जुबान में। बट वाकई में ग्रामर अलग होता है दो होता है ना होता है एक तो जो जैसे कहना है, जैसे जिस तरह के एम्बियंस है उस तरह से कहना, और एक जो है वो ड्रामेटिक तरह से पेश आना। एंड लार्जर देन लाइफ। और हाँ, लार्जर देन लाइफ बट येट कीपिंग विद इन द रेलम ऑफ रियालिटी। कि वो गंगा जल हो या अपहरण हो या मृत्युदंड हो, मृत्युदंड वॉज माई ट्रांजिशन। यस एग्जैक्टली। कि कहना वही है जो मुझे कहना है, लेकिन उसको किस तरह से कहना है। शायद मेरे ख्याल से आपकी फिल्म्स अलग इसलिए लगती है क्योंकि जैसा आपने बहुत सही तरीके से कहा कि कहना वही है जो मुझे कहना है, लेकिन किस तरीके से कहना है। सो योर्स इज अ मिक्स ऑफ रियलिटी एंड समवेयर लार्जर देन लाइफ। नो, आई हैव नाउ बिगन टू एंजॉय इट इन द सेंस कि अभी जैसे कि राजनीति है, राजनीति एक बहुत बड़ा ड्रामा है। आपको लगता है कि देयर इज स्टिल प्लेस फॉर पॉलिटिकल ड्रामास? नो, बट इट इज यूथफुल पॉलिटिकल ड्रामा। ओके, सी हु आर द यंग पॉलिटिशियंस? मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, दे आर ऑल यंग पीपल। दे आर यंग पीपल प्लेइंग पॉलिटिशियन। मतलब आपने कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से सीख लिया है। यू नो यूथफुलनेस क्लिक्स, देयरफॉर यू मेड अ वेरी यूथफुल पॉलिटिकल ड्रामा। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। अजय देवगन सीम्स टू बी योर ब्लू आइड बॉय, क्या खास वजह है? नहीं, ब्लू आइड बॉय नहीं है, वो बेसिकली इंसान बहुत अच्छा है। वो अपने काम से मतलब रखता है, हंसता है, खेलता है। ही इज अ वेरी डिपेंडेबल फ्रेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई राइट, ही इज ऑलवेज देयर। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि आप जब लिखते हैं तो अजय देवगन को ध्यान में रखते हुए वो रहता ही है या वो आ जाता है? वो ऐसा ही है, वो फटाक से कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर में वो जो है वो फिट हो जाता है, जमता ही है। एंड देयर इज अ सर्टेन इंटेंसिटी अबाउट हिम। Absolutely, no doubt. I mean, he is one of the finest actors we have today, and I have a very special word for him, that he is the most economical actor. Oh wow! When I talk about economy, means he is somebody who
अंडरस्टैंड्स यू नो द वैल्यू ऑफ हिज प्रेजेंस. आप अजय देवगन को शॉट लगा कहे अजय आई वांट योर बैक इन दिस शॉट, यू नो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, कौन कोने में वहां ये खड़ा है, दिस द काइंड ऑफ प्रेजेंस एंड ही विल हैव नो क्वाम्स अबाउट इट. कुछ दूसरे एक्टर्स हैं कि मेरी थोड़ी शक्ल दिख जाए, साइड प्रोफाइल ले लो. हाँ नहीं, बट एक तो हमारा एम्बियंस उस तरह का रहता है कि उस तरह की चीज नहीं होती. बट अजय आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग टेलिंग यू इन जनरल दैट ही विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम डूइंग दैट. ही विल गिव द कैरेक्टर एग्जैक्टली कितना तोला कितना मासा वजन देना है उतना ही देगा, उससे ना ज्यादा देगा ना कम देगा. सो ही इज अ डायरेक्टर्स डिलाइट एंड इकोनॉमिकल है इसलिए ही इज अ प्रोड्यूसर्स डिलाइट. अंडरस्टैंड्स व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड ऑफ हिज. आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड कैरेक्टराइजेशन expressions, underplaying or overplaying or anything. He understands the character. He's a very spontaneous actor. He doesn't work on his lines or part or something like that. So there's a certain understanding. आपको पता है अजय देवगन तो है ही मेरी फिल्म में और अजय देवगन को पता है प्रकाश जी अगर पिक्चर लॉन्च करते हैं तो मुझे तो जाना ही है. Absolutely. कैटरीना कैफ, a glamorous heroine of this decade, very very glamorous. आपने उन्हें एक डी ग्लैमराइज रोल में कैसे कंसीव किया एंड हाउ डिड यू थिंक ऑफ कास्टिंग हर? नहीं बट ये इस फिल्म में वो डी ग्लैमराइज नहीं है. शी इज अ ग्लैमराइज्ड पॉलिटिशियन. सी शी स्टार्ट्स ओके, शी इज हैप्पी गो लकी गर्ल, शी इज द डॉटर ऑफ द रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम द स्टेट हु बैंकरोल्स पार्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट. शी हैज एंबिशंस बट शी ऑल्सो इज इन लव. सो शी इज वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट, शी इज वेयरिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, शी इज वेयरिंग मेकअप एंड शी but eventually her character progresses because there are manipulations which are exercised on her by her friends, by her father, by her lovers, and she gets manipulated into a marriage, and then eventually when the time comes and the crisis happens, she has to take the party over. When she does take the party over, she does it with full panache. Now it is a role which goes through transitions. And Katrina, who from a so-called glamorized presence goes into a more solid, substantial character. But koi aur director hota, toh shayad he would have taken the easy path and taken an actress who would fit the de-glamorized role rather than let the transition take place. You didn't think of that? Aapne aisa nahi socha? Mujhe jo ye jo Katrina character hai, wo bahut honest, bahut pure film mein bhi, aur bahut hi forthright hai. और कैटरीना को अगर आप मिलें या देखें तो आपको यही फीलिंग होती है कि ये बात अलग है कि इतनी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग कैटरीना है. शी वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द सेट, ऑलवेज. देयर वाज नॉट अ सिंगल डे व्हेन आई हैड टू से तेरी लाइन तेरे को याद नहीं है. तो आप जब इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट आपने शुरू की तो यू सॉ टू इट दैट यू हैड गिवन अ नरेशन टू ईच वन ऑफ देम. नरेशन आई हैड ऑलवेज हैव सेवरल सेशंस ऑफ एंड ज्वाइंट नरेशन भी होता है. ज्वाइंट नरेशन ऐसे नहीं हो पाता है क्योंकि okay. सबको मिलाना है एक साथ. Exactly. बट इनसे भी बड़ा स्टार कास्ट था, 7000 लोगों का भीड़ जो आपने शूटिंग भोपाल में की और जो जिनको पूरी तरह से तैयारी कराई गई थी. 9 महीने काम किए गए थे उनके ऊपर क्योंकि आपको भीड़ से जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो लाइवलीनेस मिलना चाहिए, वो आप रोज सुबह की इकट्ठा की भीड़ से नहीं लगा सकते. प्रकाश जी मगर ये भीड़ तो कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा भी आप क्रिएट कर सकते थे. यू डिडंट थिंक ऑन दोस लाइंस. कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप एक खड़ी भीड़ को क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, दिस वाज एन इंटरैक्टिंग एंड दिस वाज एन इंटरैक्टिव भीड़ व्हिच वाज मूविंग विद द रैली, व्हिच वाज रिएक्टिंग. लास्ट पर्सन इन द रो जो पीछे 5000 आदमी खड़ा है वो भी रिएक्ट कर रहा है. कभी यू हैव टू लूज योर टेम्पर ऑन द भीड़ क्राउड्स? नहीं, लूज टेम्पर के आदमी उतनी बड़ी भीड़ के सामने कभी चीखता चिल्लाता है ही है. बट हम लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था कोमल, वो एक अलग ही कहानी है कि किस तरह से ये 7,000-7,500 लोगों को तैयार किया गया और क्या लॉजिस्टिक थी कि रोज 7:30 बजे मेरी शूटिंग हो जाती थी, उनको ड्रेसअप करके चाय पिला करके और जहां ठहरे थे वहां से लेकर के आके. और ये पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए लोग थे, भोपाल के नहीं थे सारे. और कितने दिनों तक इन्होंने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया? 43 डेज तक मेरी क्राउड शूट, एक पूरा शेड्यूल जो था वो क्राउड्स के साथ था. ओह माय गॉड. और उसके बाद भी जब हम शूट करते थे, क्योंकि नेताओं के हमारे अपने देश में क्या है कि आप जाएं किसी भी मिनिस्टर के यहाँ, जाएं किसी भी नेता के यहाँ जाएं तो घर के बाहर 200-400 लोग खड़े मिल जाते आए कोई टिकट के लिए, कोई अपनी जगह से कोई बात करने के लिए, प्रॉब्लम लेकर के हमेशा मिल जाते हैं. पार्टी हेडक्वार्टर के पास जाइए आप, हमेशा जो है 500-600 गाड़ियां लगी रहेंगी, 100 ऐसे. ये हमारे यहाँ का है पॉलिटिकल कल्चर है अपनी सोसाइटी में. तो वो फील तो मुझे लानी थी इस फिल्म में. लाइक यू हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर अजय देवगन, आपकी एक स्पेशल अफिनिटी है फॉर पॉलिटिकल ड्रामास. इस फिल्म में क्या, क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं, इस फिल्म में देयर इज अ शेड ऑफ बिहार पॉलिटिक्स और
कोमल, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूं, क्योंकि आपने आज तक मुझे किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की वकालत करते नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ ये समझता था, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे लिए जो है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वेल्थ जनरेशन से जुड़ा हुआ है, कि जहां की इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, इन चीजों को क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता हूं, इंटरवीन करता हूं सोसाइटी में, तो दैट इज माय पॉलिटिक्स इज वेल्थ जनरेशन। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअली काइंड ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, बट मोर देन दैट इट इज अ ड्रामा, इट इज अ ड्रामा ह्यूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम महाभारत, द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम महाभारत। अच्छा, वही मैं पूछने वाला था, कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, कि हमको हमारे नेशनल पॉलिटिक्स के कैरेक्टर्स की भी झलकियां नजर आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी लिविंग या डेड पॉलिटिशियन या इंसिडेंट, इन चीजों से कहीं पर भी नहीं। लोगों का ऐसा सोचना है कि कैटरीना कैफ को देखते हैं तो बोलते हैं सोनिया गांधी है, हाउ ट्रू इज दैट? ये तो आप मीडिया वालों की गेस है, और एक लोग, मैं समझता हूं आम लोग ये सोचते हैं कि कैटरीना कैफ भी विदेश से है और सोनिया जी भी विदेश से है, और दोनों जब भी भीड़ के सामने जाती हैं तो ऐसे हाथ हिलाती हैं। अब नेता तो हाथ हिलाएंगे और हाथ ऐसे ही हिलाएंगे, ऐसे तो नहीं हिला सकते, तो नहीं हिला सकते हैं, तो उसमें कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई ऐसी बात नहीं। बट सोनिया जी की अपनी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ पे अगर फिल्म बने तो मैं समझता हूँ कमाल की फिल्म बन सकती है। लेकिन किसी दिन शायद आप ही बना दे। नहीं, वो तो उनको इजाजत देनी पड़ेगी, उनकी सहमति चाहिए होगी उसमें, और अगर वो सहमति देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती है। प्रकाश जी, आपने अभी मीडिया को ब्लेम किया कि आपके मीडिया ने ही बनाई है, आपके ट्रेड ने ऐसी बात फैलाई है कि आप लोगों ने राजनीति के सैटेलाइट राइट्स 4 या 6 हफ्तों बाद बीम करने के लिए राइट्स बेच दिए हैं। नहीं, ये कितनी सच्चाई है? ये हमारे पब्लिक इज अंडर द इंप्रेशन कि यार 4-6 हफ्ते में अगर सैटेलाइट चैनल पर आएगी तो हम सिनेमा में क्यों जाए। सो आई वांट टू नो इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये भी हमारे ट्रेड की भलाई हुई बात नहीं है, ये आपकी मीडिया से पहले पता नहीं। अच्छा, ये कौन तय करेगा कि मीडिया ने फैलाई है कितने ट्रेड में? हिंदुस्तान टाइम्स में या कहां आ गया? फिर हमने जब फोन करके पूछवाया तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा, नहीं नहीं ये सोर्स कहीं से पता चला। उन्होंने कहां सोर्स से पता चला बताओ भाई, कौन इतना पागल है जो अपनी फिल्म की राइट जो है, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म और इतने कम पैसे में। वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक वी हैव बीन नेगोशिएटिंग इन हायर डबल डिजिट्स नंबर फॉर सैटेलाइट राइट्स ऑन दिस फिल्म व्हिच हैव फाइनली बीन कंक्लूडेड, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट ऑन दिस शो बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम, बट वी आर वेरी हैप्पी, वी विल नॉट बी शोइंग राजनीति ऑन सैटेलाइट। जिसे देखनी है, he has to or she has to go to the cinema. She has to go to the cinema, और 6 महीने तक तो सवाल ही नहीं होता है। क्या बात है, आपने तो बता ही दिया 6 महीने तक नहीं आएगी, so they better rush to the cinemas. Absolutely. When the film releases. प्रकाश जी, रणबीर कपूर has become the new youth icon. Again, a very flamboyant, very dude kind of a boy. इस फिल्म में how different is he from his past films? He always does different films. Look at Wake Up Sid, look at Rocket Singh, and I was so glad that, you know, he didn't have any qualms about working in a multi-starrer film, being part of an ensemble cast, because it was early days in his career, and but he loved the character, and he suited it. It is a sharp, focused guy who has nothing, who doesn't want to do anything with the politics, and he is studying literature in Harvard, and he's sort of like, you know, he keeps away from his politically involved family, and it's only when, you know, circumstances suck him into the cause of the family, and he comes in to protect his father, his brother, and sort of like who are completely being destroyed, that you see how dark politics can be, you know. And eventually, as it happens in Mahabharat, you know, that when you think that victory is the only goal, no matter what, har kimat par jeet, but wo kimat bahut badi chukani padti hai. The writer hai Anshum Rajabali, he is a very painstaking writer, and who is given to doing a lot of research. Is film mein kis kisam ka research ki aap logon ne? Dekhi, ye film kareeb pehla draft jab humne likha tha 2004 mein. Okay.
जो इसका कंप्लीट ड्राफ्ट फुल, और वो मेरे साथ चलता रहता है, मतलब जो फिल्म अगले साल मैं बनाने वाला हूँ, बल्कि यू मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, पिछले चार साल से काम चल रहा है उस पे। ओके, तो अंजुम रजवली ने जब ज्वाइन किया हमें और साथ में मिलकर के हमने काम शुरू किया इसके ऊपर में, स्क्रीन प्ले के ऊपर में, तो प्राइमरली जो न्यूएंसेस हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के, वो भी पढ़ते लिखते आदमी है, मैं भी पढ़ता लिखता आदमी हूँ, हमें जैसे मेरी बात ये होती है कि मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स, न्यूज, कैरेक्टर्स, सारी चीजें असिमिलेट करता रहता हूँ, और जैसे जैसे ड्रामा बनता जाता है उसको फिर उसको स्प्रिंकल करते रहते हैं और उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं, तो ये प्रोसेस कटना छटना चलता रहता है। बट मुख्य बात जो है वो है नैरेटिव, कि कहानी जो हम कह रहे हैं वो कहानी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, नैरेटिव उसका, कि एक बच्चा भी समझे उसको, वहां हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, अब क्योंकि आप टोटली कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, डू यू समवेयर फियर के, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, नेशनल अवार्ड्स आर पार्शियल टुवर्ड्स मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, तो कहीं आपको ऐसे लगता है कि शायद अवार्ड्स ना मिले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कभी भी जब भी बनाया, पहले भी फिल्म बनाई, तो ये अवार्ड्स के लिए फिल्म बना रहा ऐसा सोचा नहीं। बट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं कि गंगाजल को भी नेशनल अवार्ड मिला था। करेक्ट। और अपहरण को भी नेशनल अवार्ड मिला था। मगर दिस लुक्स मोर कमर्शियल देन गंगाजल, मोर कमर्शियल देन अपहरण, सो इट डजंट मैटर बिकॉज रॉक ऑन गॉट नेशनल अवार्ड्स। अगर आपको मैं ये पूछूं कि अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड्स, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड्स, and then of course the film, if the film is good, then criticism. Fantastic. You have actually crossed over from the middle of the road cinema to commercial cinema. Absolutely, because there's a huge responsibility, Komal, to making this film at this kind of cost with such sabka vishwas lekar. Kitna cost ho gaya hai? मैं समझता हूँ करीब 40 करोड़ का कॉस्ट हो गया होगा। That's a huge money. But जैसे कि हमने बताया, आपकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी है, and I think in all probability the film should open to absolutely brilliant houses. Prakash ji, thank you so much for being on the show and sharing your experience of making the film, conceiving the film. How did you handle so many stars? Thank you so much for being with us. Thank you, Komal. Thank you.